आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद अप। मुजफ्फरनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों की समस्याओं को लेकर शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में दूर दराज से हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सड़कों पर मुस्तैद दिखाई पड़ा। आपको बता दें कि किसानों का गन्ना भुगतान और बिजली की समस्या सहित कई मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित बिजली घर के अधीक्षण अभियंता के कार्यकाल में किसानों का 11 दिनों से धरना चल रहा था, जिसकी अगुवाई खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे थे। धरने के दौरान जिला प्रशासन से किसानों की कई बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल पाया, जिसके चलते राकेश टिकैत ने धरना स्थल से किसान महापंचायत की घोषणा की थी, जिसका आज आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि आज की इस महापंचायत में किसान शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कई अहम फैसले भी ले सकते हैं। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे न्यूज के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। मुद्दे तो यही जो किसान समस्या है, गन्ने का है, बिजली का है, आप देख सकते हैं धान की फसलों का है, ये तो समस्या इतनी इकट्ठी हो रही, एक समस्या थोड़ा ही है। किसी समस्या का समाधान हो, कम से कम उसे लेकर तो खड़े हो जाए भाई, एक समस्या का समाधान होगा। समस्या जो कि तू हो रही, कम से कम किसी समस्या का वो तो समाधान तो करे। गन्ने का पेमिट है, नया पीड़ा सत्र शुरू हो गया, 4-5 साल तो कोई रेट नहीं बढ़ा गन्ने का, पिछले साल के मुकाबले डीजल के रेट भी 12-13 रुपए लीटर फालतू हो गए, दवाइयों के जो खेती में आने काम आने वाली दवाई है उनके रेट कितने हो गए। बरोबर में हरियाणा स्टेट है लगा हुआ उत्तर प्रदेश से, वहाँ 250 रुपए महीने का बिल है, यहाँ से एक ट्वेल का 1900 रुपए महीने का, तो इतना फर्क क्यों कर रहे हैं? हम लोग कह रहे जी सारे को एक ही बात कर रहे, तो बिजली का रेट भी एक ही रख लो। अगर कोई यही यहाँ भी गन्ने की धान की फसल करते होंगे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस बात पर वो ले रहे? ये नु कहते भाई किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ये दुगनी क्या है तो जम्मा में तभी गई, किसानों की इज्जत बचानी मौत हो रही ना। तो क्या महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन की भी जागरूक वार्ता हो पाई है? देखो चल तो रही कुछ, वैसे वार्ता सफल नहीं हो रही, जो सफल होती तो ऐसी नौबत नहीं आती, एक पंचायत रखने की बात ही बात थी। कब तक आपका धरना यहाँ पे जारी रहेगा? अजी कुछ नहीं, तो आजाद है हम, ऐसा क्या कुछ ऐसी बात है, कुछ जीव चाहेंगे जीव टेक ले जीव, ऐसा क्या अमन हुई है बात, काम धंधा भी है किसानों को, देखेंगे कोई धरना फिर भी टिक सके, आज भी टिका रह जाएगा तो कोई वो नहीं।